हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शरबत शेयर करूंगी कि रमज़ान में मैं किस तरीके से शरबत बनाती हूं। तो आप देख सकते हैं, तो यहां पे मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश ले ली हूं, और अब चाहे तो मलास का भी ले सकते हैं, मैप्रो का भी ले सकते हैं। मैं जो भी मुझे मिल जाए मैं ले लेती हूँ, मुझे दोनों ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रश ले ली हूं, और यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं एप्रिकोट है, अखरोट, तो मैंने यहाँ पर ये ले ली, और ये टूटी फ्रूटी, और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम पिस्ता ले ली हूं, और ये सब्ज़ा। तो इसे मैं भिगा के रखी थी, सब्ज़े को भिगा के रखी थी। तो सब्ज़ा भी 2 से 5 मिनट में इस तरीके से फूल जाता है, छोटे छोटे काली काली बीज की तरह रहता है, एकदम बारीक बारीक। और फिर इस तरीके से अगर पानी में हम थोड़ा सा पानी में भिगा के रखेंगे तो इस तरीके से सब्ज़ा बन जाता है फूल के। तो 2 से 5 मिनट में आपका इस तरीके से थोड़े से पानी में आपको सब्ज़ा भिगा देना है, तो इस तरीके से फूल जाएगा। और यहाँ पे मैंने पैकेट वाला दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप डेयरी का दूध इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या करना है, गर्म करके फिर उसे ठंडा करना है। तो मैं डायरेक्ट इसमें शरबत में ये डायरेक्ट डाल दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्ट्रॉबेरी क्रश डालूँगी ग्लास में। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश ले ली, लगभग 2 से 1.5 टेबल स्पून। तो इसमें मैं शक्कर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि अच्छा खासा इसमें शक्कर ऐड होता है। अगर आप थोड़ा सा डाल रहे हैं, जैसे 1/2 टीस्पून डाल रहे हैं सिर्फ कलर्स के लिए, कलर आने के लिए दूध में, तो आपको शक्कर ऐड करना है। तो इसमें शक्कर पहले से ऐड होता है, तो मैं इसमें शक्कर नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने 2 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून लगभग ली हूँ मैंने, तो इसमें मैं शक्कर नहीं डालूंगी। ठीक है, अब मैं इसमें सब्ज़ा डालूंगी। तो सब्ज़ा मैं ऐड कर दूंगी, आप चाहे तो और भी ले सकते हैं। डाल दी और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली, ताकि जो पूरा स्ट्रॉबेरी क्रश है अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद में हम इसमें आपको जो भी डालना है, आपको ड्राई फ्रूट्स में जैसे अखरोट जो भी डालना है आप इसमें डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम टूटी फ्रूटी डाल देंगे, और फिर इसमें हम काजू बादाम पिस्ता डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा रेडी, और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अखरोट भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, और रमज़ान में जैसे भूखे प्यासे होते हैं तो एक एनर्जी की तरह तौर पे भी हो गया, और हमें जैसे गर्मियों का मौसम है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उस हिसाब से भी हो गया। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट।